नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। मशहूर अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। भोपाल में मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की विदेश नीति फ्लॉप साबित हुई है और केवल सेल्फी खिंचवाने तक सीमित रह गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने 3 साल के मोदी राज पर सवाल खड़े किए हैं। भोपाल में केंद्र सहित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकारों को घेरते हुए राज बब्बर ने कहा है कि भाजपा में लंबे समय से शिवराज और रमन सीएम है और कांग्रेस पर परिवाद का आरोप लगता है। मोदी सरकार के 3 साल पर हमला बोलते हुए राज बब्बर ने कहा है, मोदी के 3 साल में 578 जवान शहीद हुए हैं, 877 नागरिक मारे गए हैं, लेकिन मोदी की विदेश नीति सेल्फी लेने तक ही सीमित है। सेना में 9000 अफसरों, 25000 जूनियर अफसरों और 52000 जवानों की कमी है। बजाय पद भरने के भाजपा सरकार जश्न मना रही है। रक्षा बजट में 8058 करोड़ की कमी है, 32500 करोड़ रुपए लैप्स हुआ है। वायुसेना में लड़ाकू स्वक्रेडन जहाज 32 हैं, जबकि कम से कम 45 होने चाहिए। राज बब्बर ने कहा, यूपीए सरकार ने रेफरल विमान 126 खरीदने का ऑर्डर किया था, मोदी ने घटाकर 36 कर दिए हैं, अब तक एक भी नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज भोपाल। एक जश्न प्रधानमंत्री 3 साल का जो ये तंबू लगा के जो जश्न मना रहे हैं हर जगह, मुझे लगता है तंबू के पीछे क्या है इसका भी खुलासा होना चाहिए और उसकी सच्चाई भी सामने आनी चाहिए कि आखिर इस जश्न का मकसद क्या है इनका और ये जश्न क्या है और क्यों है। कि मोदी सरकार ने पिछले 3 सालों में, इस सरकार के अंदर पिछले 3 सालों के अंदर हमारे 578 जवान शहीद हुए। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।